पाकिस्तान में पहली बार जो है कुरान शरीफ जो नाबीना बच्चे पढ़ते हैं इन अरेबिक ब्रेल स्क्रिप्ट कुरान पाक को बनाया गया है। पहले उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार की गई है, फिर उसकी हार्ड कॉपी तैयार की गई है, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इसका मकसद ये है कि उस यहाँ आज तक के अवेलेबल नहीं था, वर्ल्ड में 196 कंट्री हैं जिसमें से सिर्फ 4 कंट्रियों में ये काम हो रहा था और हिंदुस्तान जो है 5वां मुल्क है जहाँ ये काम किया जा रहा है, जहाँ ब्लाइंड लोगों की जनसंख्या जो है 125 करोड़ है। अगर माना जाए इसमें से अगर 25% भी कुरान सीखने वाले बच्चे हैं तो मतलब इस चीज़ की ज़रूरत तो है ना देश को, तो इस चीज़ के लिए इसका काम करा गया और इसको बनाया जा रहा है। इसको बनाने में वैसे ये कोशिशें पिछले 3 साल से चल रही थी, लेकिन इसका जो प्रॉपर मतलब जो है इस पर को टाइप करने का और उसको लिखने का जो काम चालू हुआ था पूरा, वो 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक हमने 10 बारे मुकम्मल कर दिए हैं और एक पंसूरा मुकम्मल कर लिया है साथ में। ये जो ब्रेल लिपि से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जैसे कि किसी चीज़ को अगर आप सुन के याद करते हो तो आपको उसकी स्पेलिंग्स नहीं पता होती, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ के याद करते हो ब्रेल लिपि से आप सामने टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा इसमें स्पेलिंग्स क्या है। वैसे ही इन अरबिक अपने को पता होता है कि इसमें ज़ेर ज़बर पेश तजदीद वगैरह कैसे लगे हैं, किस चीज़ को कहाँ कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है, आपका हर तरीके से पूरा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी क्लियर होता है। आज तक की परिपाटी ये रही है कि पहले कुरान को वो कंठस्थ कर लेते हैं, कंठस्थ करने के बाद उनका जो देखने वाले हाफिज होते हैं उनकी बराबरी कर, बल्कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो कुरान कॉम्पटिशन हुआ है उसमें 2 लोग ऐसे थे जो नाबीना थे, उनको दिखाई नहीं देता था लेकिन वो 7 तरीके के चरण का तरीका होता है उसमें उन्होंने कॉम्पीट किया, तो ये कहीं पीछे नहीं रहते। लेकिन इससे के आने से एक बात और हो जाएगी कि जैसा बच्ची ने बताया कि वो जो प्रोनाउंसिएशन है उन प्रोनाउंसिएशन को उच्चारण को सही तरीके से वो अदा कर सकेंगे और कम समय में उसको पूरा, ये फायदा है उससे।